खबर जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के अलगी गांव से आ रही है, जहां पर एक्सीडेंट के बाद ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने से हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों के लिए झांसी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। परिवार शादी से लौट रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सवार सभी लोग बबीना से एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। आमने सामने से डंपर और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। दिनारा थाना क्षेत्र के अलगी गांव निवासी मुकेश की बेटी प्रतीक्षा की शादी शनिवार को बबीना के किंग गार्डन में आयोजित हुई थी। पूरा परिवार रिश्तेदारों के साथ बेटी के हाथ पीले करने बबीना गया था। रविवार की सुबह शादी संपन्न होने के बाद पूरा परिवार बेटी को विदा करने के बाद घर लौट रहा था, तभी बल्लमपुर गांव के पास डोंगरी के पुल पर रेत से भरे डंपर के ड्राइवर ने तेजी से लापरवाही से वाहन चलाते हुए ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शादी की खुशियां और ट्राली में गाए जा रहे मंगल गीत रुदन और चीखों में तब्दील हो गए। ये घटना, हम लोग वैसे रहने वाले तो हैं एमपी से, जिला सीपरी, थाना दनारा, ग्राम अलगी से हैं। तो जहाँ समाज के लोग थे, उनकी बिटिया की शादी थी, तो बमीना लॉस से शादी थी, तो शादी करके सुबह विदा करके वापस हो रहे थे सभी लोग। तो जब बमीना बाईपास हाईवे पर रक्षा वाले पर बल्लमपुर का पुल पड़ता है जो रेलवे क्रॉसिंग का, तो वहाँ ड्राइवर ने कुछ कारणवश खड़ी कर दी, ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। सभी लोग नीचे खड़े थे और रेलवे ट्रक की तरफ देख रहे थे सभी लोग। पीछे से इतने में एक डंफर आया बालू से भरा हुआ, और उसने सभी लोगों के ऊपर रौंद दिया, ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ाता हुआ बालू का डंफर, सभी एक्सीडेंट कर दिया। कितने लोग घायल, कितने लोग खराब हुआ इसमें? स्पॉट पे 2 लोग खत्म हो गए थे और बाकी के 20-22 लोग घायल हैं। किसी की हालत सीरियस तो नहीं? हाँ, 2-3 लोगों की सीरियस हालत है। एक रामकिशन झा करके हैं, उनकी हालत सीरियस है। पुलिस से कोई हल्के खबर आई थी? हाँ, पुलिस वहाँ स्पॉट पर पहुंची हुई थी, पुलिस ने मदद की है।